नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 270 के आसपास बीजेपी पहुंची है, लेकिन खास बात यह है कि पश्चिम से जो लड़ाई शुरू हुई थी 10 फरवरी से, वो अंतिम चरण यानी कि अंतिम दो चरण छठे और सातवें में पूर्वांचल में जाकर के बहुत ज़बरदस्त संघर्ष हुआ था। और सबसे पूर्वांचल का अंतिम छोर पे जो जिला है वो है बलिया। वहाँ पे 7 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों पे 2017 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन उस बलिया ने इस बार बीजेपी का कमल को मुरझा दिया है। उसके दो दो मंत्री उसी बलिया में चुनाव हार गए हैं। 7 में से जो 5 विधानसभा सीटें उसके पास थी, अब मात्र जो 2 विपक्ष के पास था, उसी तरीके से बीजेपी के पास 2 सीटें रह गई है और 5 सीटों पे विपक्ष ने कब्जा कर लिया है। लेकिन खास बात ये है कि वहाँ पे विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं राम गोविंद चौधरी, वो बांसडी से चुनाव हार गए हैं। और केतकी सिंह जो कि निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त उम्मीदवार थी, उन्होंने उन्हें 26,000 से अधिक मतों से हरा दिया है। और दूसरी सीटों की यदि बात करें तो बलिया में जो दूसरी सीट मिली है बीजेपी को, वो मिली है बलिया सदर की, जहाँ पे कि बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने नारद राय को हराया है लगभग 25-26,000 वोटों से। और बाकी 5 सीटों की जहाँ तक बात है तो रसड़ा से उमा शंकर सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं, तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। सुभाषपा के जो उम्मीदवार थे महेंद्र चौहान, उन्होंने उन्हें अच्छी टक्कर दी, लेकिन उनको हरा नहीं पाए। उमा शंकर सिंह जीत गए। एक विधानसभा सीट थी जहाँ के बीजेपी के विधायक रहे सुरेंद्र सिंह, काफ़ी चर्चे में रहे। बलिया में एक बवाल हुआ था दुर्जनपुर का, उसमें जो है ओबीसी वर्सेज अगड़ा हो गया था, उसमें वो अगड़ों के साथ खड़े हो गए थे, जो कि बीजेपी पे बहुत भारी पड़ा था। बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, उनको बीजेपी ने जब टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया, तो वो जा कर के वहाँ पे वीआईपी से यानी कि नाव चुनाव चिन्ह पे लड़ गए। 28,000 से अधिक वोट लेने में कामयाब हुए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के मंत्री जो कभी बलिया सदर से विधायक थे पिछले इलेक्शन में, वो जा कर के लड़े थे बैरिया से, आनंद स्वरूप शुक्ला चुनाव हार गए हैं। खुद जो सुरेंद्र सिंह है वो तीसरे नंबर पे रहे, लेकिन आनंद स्वरूप शुक्ला को हराने में वो कामयाब रहे और वहाँ से जो चुनाव जीते हैं वो चुनाव जीते हैं जयप्रकाश अंचल, जो समाजवादी पार्टी के। ठीक इसी तरीके से बात करें सिकंदरपुर की, तो वहाँ पे सपा के जियाउद्दीन रिजवी जीते हैं और फेफड़ा से जो दूसरे मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, 2 बार से 12 और 17 में चुनाव जीत रहे थे, वो भी चुनाव जीत गए हैं, वो चुनाव हार गए हैं। चुनाव जीते हैं संग्राम सिंह यादव। 2017 में भी उन्हें मुश्किल आनी थी, लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं आया कि सपा के जो दूसरे नेता हैं अंबिका चौधरी, जो वहाँ से विधायक रहे हैं, वो बसपा से चुनाव लड़ गए थे और संग्राम सिंह यादव भी चुनाव मैदान में थे, इसका लाभ मिला था। उपेंद्र तिवारी जीत करके मंत्री बन गए, लेकिन इस बार उनकी दाल नहीं गली। अंबिका चौधरी और संग्राम सिंह यादव दोनों ने हाथ मिला लिया और एक होकर के प्रचार किया, नतीजतन उपेंद्र तिवारी चुनाव हार गए हैं। तो इस तरीके से बलिया में बीजेपी के 2 मंत्री चुनाव हारे हैं, उपेंद्र तिवारी और आनंद स्वरूप शुक्ला, जबकि विपक्ष के यानी विपक्ष क्या कहें प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी, जिनका सोशलिस्ट बैकग्राउंड है, वो चुनाव हार गए हैं बांसडी से और उन्हें हराया है केतकी सिंह ने, जो कि बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त उम्मीदवार थी। आपको बता दें कि पिछला चुनाव 2017 का चुनाव भी बामुश्किल 1,500-2,000 से वो जीत पाए थे और केतकी सिंह ने ही उनका पीछा किया था। यही सोच करके केतकी सिंह और निषाद पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा और अंततः पिछली हार का बदला लेने में वो कामयाब रही और राम गोविंद चौधरी इस तरीके से चुनाव हार गए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।